हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्टिव माइंड। आज हम लोग देखने वाले कि DVR कैमरा, CCTV का जो पार्ट होता है, जो DVR होता है, XVR होता है, NVR होता है, तो इसमें टाइम डेट का बहुत इशू आता है। तो जैसे आप लोग देख पाते हैं कि टाइम डेट 1970 आ जाता है, 2004 आ जाता है, बार बार टाइम डेट सेट कर रहे हैं, मगर फिर एक बार मशीन ऑफ होने के बाद टाइम डेट फिर से ऑटोमेटिक रिसेट हो जाता है। रिसेट होकर वो डिफॉल्ट में चल जाता है, वो 1970 चल जाता है, नहीं तो आपका 2004 में चल जाता है। फिर आप कभी भी रिकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, ये हार्ड डिस्क का भी बहुत बड़ा इशू है रिकॉर्डिंग के लिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि उसका प्रॉपर सॉल्यूशन। तो फ्रेंड देखते हैं, ये मेरा मॉनिटर है, ये मॉनिटर मेरा कनेक्ट किया हुआ है एकदम XVR का साथ, जो चार चैनल दवा का XVR है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ का टाइम डेट थोड़ा गलत किया हुआ है, 2004 किया हुआ है, 1:03:09। तो इसमें मेरा प्लेबैक कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जब प्लेबैक यहाँ पे जाते हैं तो प्लेबैक में चेक कर लीजिए, सर्च बटन में जाके यहाँ पे जब हम मार्क किया हुआ है तो इसमें मेरा प्लेबैक कुछ है नहीं नीचे, क्योंकि मेरा जो टाइम किया हुआ है तो वो पूरा गलत है, 2004 का किया हुआ, आज का डेट का नहीं है कुछ। तो ये जो NVR है मेरा, तो ये NVR का अंदर एक CMOS बैटरी होता है, तो बैटरी हमको चेंज करना है, तब ये प्रॉब्लम एकदम परमानेंटली सॉल्व हो जाएगा। तो देखते रहिए। तो फ्रेंड, हम इसका सब इसको खोल दिए हैं, फिर इसको ऐसे स्वीप करने से इसका जो पावर है ये खुल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क होता है आपका, उसका बाद ये सर्किट जो है, ये हो गया आपका CMOS बैटरी, जो हम मार्क करके दिखा देते हैं। ये जो है ये CMOS बैटरी, इसको हम अभी चेंज करने वाले हैं। ये जो बैटरी है, ये बैटरी के लिए ये ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो पहले इसको हम यहाँ से प्रेस करना है, प्रेस करने से ये बैटरी ओपन हो जाएगा। तो ओपन जब हो जाएगा तो इसको फ्रीज, ऐसे ही नया बैटरी ऐसे ही प्रेस करने से ये बैठ भी जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये जो बैटरी होता है दो तरीकों से होता है, एक होता है CR1220 CR1220 और एक होता है आपका CR2032 जो इस तरीकों से देखने में आता है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा आता है, इसका साइज़ छोटा छोटा आता है, हर एक DVR में XVR में अलग अलग रहता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको XVR में हमारा फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग कैसे करें, आपको जैसे बोले थे हम यहाँ पे लगा के इसको प्रेस करने से ये फिट हो जाएगा, ओके। ये हो गया फिटिंग्स, ओके। अब इसके बाद इसका टाइम डेट अपना सेट कर लीजिए, उसके बाद ये प्रॉब्लम प्रॉपरली ख़त्म, अब देख लीजिएगा। तो फ्रेंड हम इसको फिटिंग्स कर लिए है, ये मेरा XVR जो है ये सेटिंग स्टार्ट हो रहा है। पहले तो ये हम BNC कनेक्टर लगाते, VGA केबल, पावर केबल सब इसमें सेट कर देते, फिर XVR ऑन होता है मेरा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कि ये टाइम मेरा अभी तक वही है, इसको हमको सेटिंग करना है। पहले हम जो पैटर्न लॉक है उसको ओपन करना है, उसके बाद सेटिंग में जाके डेट एंड टाइम में ना टाइम डेट एक्यूरेट सेट करना है। उसके बाद देखिए सिस्टम को ऑफ करने का बाद क्या होता है। ये मेरा लाइफ टाइम है, इसको लेके अब सेव कर देना, सेव करके नीचे अप्लाई जो बटन है इसमें क्लिक कर दीजिए, उसके बाद राइट क्लिक करके बाहर निकल जाइए। कि अभी टाइम है 2022:07, 3:17। हम अभी ये जो XVR है मेरा, हम इसको पावर शट डाउन करते हैं। हम शट डाउन कर दिया इसको, ये पावर ऑफ हम यहाँ से अभी इसको पावर आउट कर भी देते हैं, ठीक है, आउट कर दिए। अभी 1-2 मिनट बाद
हम इसको फिर से लगाएंगे, उसका बाद देखते कि मेरा टाइम डेट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, फिर से 2000 साल आ जा रहा है या 2004 साल आ रहा है, वो हमको देखना है। ठीक है, ये मेरा XBR ऑन हो रहा है, बने रहिए वीडियो का साथ, आगे देखते क्या होता है कि टाइम डेट का इशू ठीक हो गया या नहीं हुआ। एकदम प्रॉपरली आप यह देख लीजिए, एकदम प्रॉपरली 2022:10:07:28 एकदम प्रॉपरली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है एकदम परमानेंटली। ये बैटरी जो है सिमोस, ये मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ही सस्ता रेट में भी मिल जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।